फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल का सिलसिला जारी हो चुका है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल दिया है और कहा है कि उनकी पार्टी की कोशिश है कि यह सिस्टम यूं ही चलता रहे, कोई ऐसी तहरीक चलाने के मूड में नहीं जिससे निजाम लपेटा जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से भी, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। एक बंदा है जो मुसलसल ऐसी बातें कर रहा है जिससे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। वो नज़र आ रहा है जैसे उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है सिस्टम को, तो उस पर क्या मैं तबसरा करूँ। एक चीज़ तो हिस्टोरिक चीज़ है कि अगर किसी एक सुबह भी कहीं किसी लपेट में आया है तो फिर सारा निज़ाम लपेट में आ गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं हुकूमत सोचेगी जो करेगी और ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई वे अडॉप्ट करे जिससे सिस्टम को लपेटा जाए, सिस्टम को नुकसान हो। तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे लोग भी बैठे हों जो ये कर लें। ये कल मीटिंग है और उस पर नेचुरली पहला आइटम टीवास का होगा, और टीवास बनेगी तो ये कॉमेटी चलेगी, अदरवाइज तो टीवार के सवाल तो कॉमेट नहीं चल सकती, क्योंकि तो पहला जो है वो एजेंडा का हिस्सा है। सीजन पॉलिटिशियंस की बात करें तो मैं इस पर जवाब दूँ, जो पहले पार्लियामेंट में रह चुका हो, जिसको इस सिस्टम की पार्लियामेंट की और सियासत की भावना हो, सीनियर लोग उनकी बातों में जवाब दूँ।